आप देख रहे हैं मनी गुरु। आज आपके सवालों को हम शामिल कर रहे हैं और जवाब देने के लिए मिस्टर बलवंत जैन हमारे साथ मौजूद हैं। अगला सवाल है कीर्ति का, नोएडा से इन्होंने भेजा है। टैक्स सेविंग फंड्स की तलाश करें, थोड़ा शायद कंफ्यूज्ड है। अपने बारे में इन्होंने बताया है कि पहली बार किसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रही हैं और टैक्स सेविंग फंड के लिए कि क्या फायदे हैं और अगर फंड इन्हें चुनना है तो कौन सा फंड इनको चुनना चाहिए और ATC के अंदर इसमें कितनी छूट मिलती है, ये आपसे जानना चाहते हैं बलवंत जी। देखिए पल्लवी, ऐसा है कि चूंकि ये पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ा भय है, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो टैक्स सेविंग फंड है उनमें इन्वेस्ट करने पर आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स में जो इनकम है उसमें से आपका रिडक्शन होता है। परंतु ये 1.5 लाख की जो राशि है उसमें दूसरी भी बहुत सारी आइटम्स शामिल है, जैसे आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है, आपका प्रोविडेंट फंड भरते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, NSC है, इसके अलावा NPS भी उसमें आ जाता है। जहाँ तक प्रश्न है इनको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मेरा सुझाव है उनको एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में डालना चाहिए। ये फंड कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। जैसे मैंने पिछले प्रश्न के जवाब में भी बताया कि आपने एक बार एक फंड चूज कर लिया उस के साथ बने रहना जरूरी नहीं है, आप रिव्यू करते रहिए। परंतु चूंकि ये फंड है, आप एक साल बाद जैसे आपको लगा कि ये परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप उसकी SIP बंद कर सकते हैं। परंतु इसका जो लॉक इन पीरियड, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो पर्टिकुलर SIP है, वो 3 साल के पहले आप उस पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। यानी जो भी आप SIP करेंगे वो अगले 3 इयर्स के लिए लॉक हो जाएगी, आप रिडीम शायद ना करें, नहीं कर सकते उसको, लेकिन आप उसको बंद कर सकते हैं। राइट, ओके। इनफैक्ट ELSS से जुड़ा हुआ अगला सवाल है, ये हमें भेजा है आशीष ने मुंबई से और ये स्पेसिफिकली ELSS की बात कर रहे हैं कि ये एकमुश्त राशि शायद इसमें निवेश करना चाहते हैं। इन्होंने मेंशन किया है कि हर महीने ये SIP की ही बात करें 2500 से करीब 3500 रुपये निवेश कर सकते हैं और कौन से फंड्स इनको चुनने चाहिए। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी का आपने जिक्र किया था बट तरीका भी, इनफैक्ट ये अपने मेल में उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि क्या एकमुश्त इसमें निवेश करना बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जैसे अभी आप लॉक इन की बात कर रहे थे तो इंस्टेड की हर महीने कुछ रकम डालें, क्या बेटर होगा कि ये साल भर के लिए, जैसे इन्होंने ATC के अंदर जो भी अपनी प्लानिंग करी है और भी जो ऑप्शन हैं, जो लिमिट है 1.5 की, उसको एग्जॉस्ट करने के लिए क्या एक साथ कुछ मोटी रकम डालना ELSS में बेटर ऑप्शन हो सकता है या फिर SIP के जरिए ही बेहतर तरीका है ELSS में निवेश। देखिए पल्लवी, ऐसा है, नॉट ओनली ELSS, आप इक्विटी ओरिएंटेड कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, आप कभी भी लंप सम इन्वेस्ट नहीं करिए। आपको जितना भी इन्वेस्टमेंट की राशि है उसको एटलीस्ट 12 महीने स्प्रेड कर दीजिए, जिससे जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है वो थोड़ी इवन आउट हो जाएगी। तो जैसे इनका जो ELSS में इसमें उनको इन्वेस्ट करना है तो भले ही लॉक इन पीरियड 3 साल रहता है और आप समझते हैं कि मैं पहले इन्वेस्ट कर दिया तो मेरा लॉक इन पीरियड जल्दी खत्म हो जाएगा, परंतु फिर आप मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उसकी रिस्क ले रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कोई भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग ELSS आपको SIP के जरिए ही करना चाहिए, एक मुश्त इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ओके, यानी कि ये एक अहम बात है, चाहे आप ELSS में कर रहे हैं या किसी भी और तरीके म्यूचुअल फंड में, आप ELSS में जैसे कि एक्सपर्ट ने बताया कि 3 इयर्स का लॉक इन है, उसका खास आप ध्यान रखें। तो अगर टैक्स प्लानिंग के लिए आपको निवेश करना है तो ELSS बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अदरवाइज आप रेगुलरली रिव्यू करते रहें अपने पोर्टफोलियो को और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्लानिंग करें। साथ ही SIP एक बेटर रूट हो सकता है ताकि जो मार्केट की वोलेटिलिटी है, जो उतार चढ़ाव आप देखते हैं, उसे कहीं ना कहीं वो बीट करता है और आपको बेहतर रिटर्न्स दे सकता है। इनफैक्ट आपने जो जिक्र किया तो कुछ फंड्स का, क्या आशीष के लिए भी आप सिमिलर फंड्स रेकमेंड करेंगे या ELSS कैटेगरी में ऑलमोस्ट मोर और लेस सिमिलर फंड सिमिलर रिटर्न्स ही मिलते हैं, क्या आपको लगता है? देखिए जो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है वो एकदम बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा जैसे ICICI का टैक्स प्लान है, फ्रैंकलिन टेम्पलटन का टैक्स शील्ड है, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पर जहाँ तक प्रश्न कंसिस्टेंसी का है,
ये एक्सिस जो लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, और चूंकि उनको बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, 3,000-3,500 रुपये ही करना है, तो मेरा सुझाव रहेगा एक ही फंड में वो SIP करे, क्योंकि इनका दूसरे जो इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट होता होगा, दूसरे म्यूचुअल फंड में भी, तो और नॉर्मली आपको 4-5 फंड स्कीम से ज़्यादा स्कीम चूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ओवर डाइवर्सिफिकेशन में फिर जो डाइवर्सिफिकेशन का पर्पज है वो भी डिफिट हो जाता है, वो फिल हो जाएगा और ओवरलैपिंग भी आपके पोर्टफोलियो में हो जाती है। इसलिए जब भी आप पोर्टफोलियो प्लान करेंगे आइडियल पोर्टफोलियो 4-5 फंड्स का हो, और ELSS के अगर आप अंदर कर रहे हैं तो एक ELSS काफी होना चाहिए पोर्टफोलियो के अंदर, क्योंकि मोर और लेस जो फंड्स है वो एक ही तरह की कंपनियों में निवेश करते हैं। इतने सवाल आज शामिल करेंगे, शुक्रिया बलवंत जी कीमती समय देने के लिए और सभी सवालों के जवाब भी बाकी से देने के लिए।